कल मालूम ही हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्र के द्वारा कि कल माननीय राज्यपाल महोदय से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मिलने का काम किया और जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उस विषय के संबंध में बहुत स्पष्ट मांग किया कि लंबे समय से एक बादल का निर्माण हुआ है जो न बरस रहा है और न ही अपने स्थान से हट रहा है। वह सूर्य के ठीक सामने है, नीचे छांव है, बाकी सब हवा है। हम लोगों ने इस बात को शुरू से कहा है। 1 तारीख को जब हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय से मिलने का काम किया, उस दिन बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं 2 दिन के अंदर अपनी स्थिति चुनाव आयोग को बता दें। लेकिन वो 2 दिन 15 दिन बीत गए, फिर भी स्थिति सामने नहीं आई। इस बीच में सरकार के एक ऐतिहासिक कैबिनेट निर्णय ने पूरे राज्य में खुशी और उमंग की एक नई वातावरण तैयार किया जिसको कलुषित करने के लिए कल से ही कई प्रकार के कुचक्र रचने शुरू हो गए। कल बहुत कौतूहल था आप लोगों में कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली क्यों गए। हम शुरू से ही कहते आए हैं कि हम अपनी हर लड़ाई जो भी उपलब्ध प्लेटफॉर्म है, चाहे वो जुडिशियरी हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या डेमोक्रेटिक स्ट्रगल हो, ये तीनों जगह हम संघर्ष को तैयार। हम सीधे लोग हैं और सीधा बात करना जानते हैं। हमारे द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हेमंत जी के जो वकील उनके द्वारा भी ये चिट्ठी चुनाव आयोग को दी गई, उनसे भी हम लोगों ने यही बात कहा कि 18 तारीख को जब संपूर्ण कार्रवाई 18 अगस्त जब संपूर्ण कार्रवाई समाप्त हो गई और चुनाव आयोग ने कहा कि हम अपना मंतव्य रिजर्व करते हैं, उसके बाद लगभग 1 महीने आज हो गए। वो मंतव्य क्या है? आज तक इस तरह का कोई भी प्रेसिडेंस नहीं रहा चुनाव आयोग का। हम लोगों को तो यह अनदेखा है। और आज जिस प्रकार से अखबारों में बात आई, कल जो भारतीय जनता पार्टी ने बैठक की उसके बाद से तो अब ये स्पष्ट होने लगा, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया कि हम ये सब नहीं होने देंगे, क्योंकि उनके पास में पार्लियामेंट में बहुमत है। अब धमकी भरी लहजे में बात कर रहे हैं हम लोगों से। यदि राजभवन से हम लोगों को संरक्षण ना मिले, यदि भारतीय न्यायाधिकरण से यदि संरक्षण ना मिले, तो ये लोकतंत्र बचेगा कैसे? इस लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। 22 साल संघर्ष के बाद हम लोगों को विगत परसों अपनी पहचान मिली है। जो हमारे पिछड़े समाज के लोग हैं उनको उनका उचित आरक्षण मिला है। इसी 2001 में राज्य गठन के बाद बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे, उनके कैबिनेट में आसू के जो प्रमुख है सुरेश जी,
वो मंत्री थे। आप लोगों को याद होगा कि 27% जो पिछड़ों का आरक्षण था उसको घटाकर 14% कर दिया गया था। बाबूलाल जी एक 2002 में बिना समाज को विश्वास में लिए जो डोमिसाइल की बात की थी और पूरा राज्य धधक उठा था, वो भी भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी कि लोगों की पहचान को छिपाया जाए, मिटाया जाए। उसके बाद रघुवर जी के कैबिनेट में आजसू के अभी सांसद हैं चंद्रप्रकाश चौधरी जी मंत्री थे। स्थानीयता नीति 1985, ये है भाजपा और आजसू जो यहां के मूलवासी आदिवासी विरोधी मानसिकता वाले लोग। मैं कह सकता हूं यह दुर्भाग्य है कि एक आदिवासी समाज से आने वाला नेता यदि मिर्जाफर है तो एक पिछड़े समाज से आने वाला नेता जयचंद है। यह मिर्जाफर और जयचंद की जोड़ी है। भाजपा मिर्जाफर है इस राज्य का और आजसू जयचंद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।